देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। वन मंत्री उमंग सिंगार ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह हर जिले में हर विभाग में अपने अफसर बैठाना चाहते हैं। सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल के वनवास के बाद मलाई काटने फिर आ गए। उमर सिंघार ने कहा कि उन्होंने चिट्ठियों में केवल ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या हुआ है यही पूछा है। प्रदेश में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन नीतियों को बनाने को लेकर कहीं कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद दिग्विजय सिंह ने 10 साल वनवास काटा है, उसके बाद वो हनीमून पर गए और अब मलाई काटने के लिए फिर आ गए हैं। चिट्ठी वायरल करके गलत बयानबाजी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि दिग्विजय सिंह द्वारा सभी मंत्रियों को अपने पुत्र मंत्री जयवर्धन को लिखे पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होने से यह स्पष्ट हो गया है कि उमर सिंघार द्वारा पत्र में लगाया गया आरोप निराधार है। आदिवासियों की बड़ी नेता स्वर्गीय जमुना देवी के भतीजे उमर सिंघार धार जिले की राजनीति करते हैं। वो बार बार कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलते हैं ये समझ से परे है। क्या इशारा कहीं और से होता है जिस पर उमर सिंघार कार्य करते हैं? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएँ खूब हो रही हैं। प्रदेश सरकार के वन मंत्री उमंग सिंघार ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया है कि सिंहस्थ मेले में हुए घोटालों को लेकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह क्योंकि इस विभाग में उनके पुत्र जयवर्धन सिंह मंत्री हैं। वन मंत्री ने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह हैं, विधानसभा में स्वीकार किया था कि सिंहस्थ मेले नहीं हुआ है। ये दर्द इसलिए बाहर आया कि हम भी 15 साल संघर्ष किया, ये तो 10 साल मुख्यमंत्री रह के वनवास काट लिया, हनीमून मनाने चले गए, अब मलाई काटने आ गए, तो क्या है ये? हम संघर्ष यहाँ के युवाओं ने किया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया, 10 साल कहाँ थे दिग्विजय सिंह? तो जो करोड़ों के घोटाले में लिप्त है, अगर भ्रष्टाचारी अधिकारी बिठाओगे और इस शराब का धंधा तो इनके माध्यम से करेंगे ना, तो क्यों आप ईमानदार अधिकारी नहीं बिठाते? क्यों आप अगर जो हम सरकार में अवैध उत्खनन को लेके आए तो आम जनता के लिए पंचायतों का अधिकार होना चाहिए रेत के, क्यों तो ठेकेदारों को आप रेत दे रहे हो? क्यों बड़ी पार्टियों को देना चाहते हो? आम जनता जो घर बना सके अपना वैसी रेत उसको सस्ती सुलभ होना चाहिए। स्वाभाविक है कि जो पिछले 8-9 महीने से जिस प्रकार से चल रहा था, मैं कई बार व्यक्तिगत बता चुका हूँ, इसलिए मुझे चिट्ठी लिखना पड़ी। चिट्ठी वायरल ये करने का इनको शगुफा है तो इन्हीं के अंदाज में इनको वायरल करके बताए क्या होता वायरल। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.